लगता है कीड़ा घुस गया। ज़िप खोल दीजिए प्लीज। आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? रूबी, देखो ऐसी बात नहीं करती। इतना घमंड किस बात का? सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर मैं उनकी तरफ देखती थी और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। यू हेल विद अशोक द ग्रेट। लाइफ इज ग्रेटर अधीर साहब। देखो रूबी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ये क्या हो रहा है? ये देखिए ना पापा, ये जबरदस्ती मुझे। यू रास्कल, तुम्हारी ये हिम्मत? नहीं जी, मैं पापा, आप ना आते तो न जाने क्या होता। रूबी, ये क्या कर रही हो तुम? दत्त साहब, मैं तो कमीने, अपनी औकात खुल गया। दत्त साहब, आपने ये तो आज टाइगर टाइगर चुप। नहीं, सुधीर, सुधीर, तू बदला जरूर लेना, मेरा बदला जरूर लेना। हाँ, बदला लेना सुधीर, जरूर लेना बदला। मुझे माफ कर दो सुधीर। जानती हूं, 15 साल से भैया एक ही कहानी यूं ही मुझे सुनाते चले आ रहे हैं। समझ सकते हो रूबी दत्त ने उन पर कितना जुल्म किया होगा जो मुझे देखते ही सिर्फ बदले की बात करते हैं। सुधीर, क्या बदला लेने से भैया को 15 साल वापस मिल जाएंगे? ये बदले का ख्याल छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं। मेरे दिल की किताब में जान का बदला जान और इज्जत का बदला इज्जत है। किसी ने कभी मुझसे कोई चीज छीनी तो उसे बर्बाद किए बगैर मैं चैन की सांस नहीं लेता। रूबी दत्त मेरे दोस्त की मंगेतर नहीं, मेरे भाई की कातिल है। इसी बात पर अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहें तो शौक से तोड़ सकती हैं। चल, घर चल। कविता, ये 40,000 रुपए हैं, इन्हें रख दो। आपको इतने पैसे कहां से मिलते हैं? हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी के सामने हीरो नहीं है। हमारे नर्सिंग होम का एक भी कमरा खाली नहीं रहता, समझी? 3-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करते हैं लोग। लेकिन आप ये पैसा बैंक में क्यों नहीं डालते? इतना सारा कैश घर में रखने की क्या जरूरत है? मैं भी वही कर रहा हूं जो सब लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, रख दो। रूबी, डार्लिंग, सब ठीक हो गया है। आज शाम को ठीक 7:30 बजे अपना थोड़ा सा सामान लेकर मेरे घर आ जाना। उसके बाद हम अपनी नई दुनिया बसाने दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन स्वीटहार्ट, याद रखना, ठीक 7:30 बजे। तू तो कह रहा था ऐसा सरप्राइज देगा मुझे कि मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल जाएगा, मुझे तो सिर्फ घड़ी का कांटा ही बदलते दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इंतजार और कर ले यार। अरे यार, सस्पेंस से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पर जब ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा मेरी जान, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। रियली? बिलाहत? अभी नहीं, अभी चैन से बैठ। अरे यार, चैन कहाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती यही बेचैनी रहेगी। कितना चाहते हो अपनी रूबी को? अरे चाहत का मतलब तुम क्या समझो जालिम, चाहत वो भी रूबी से। अपने दिल के खून का एक कतरा जमा के अंगूठी पहनाऊंगा शादी के दिन। क्या रूबी भी तुम्हें इतनी चाहती है?
ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो कहती है कि पल भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा चलो सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ, वहां छुप जाओ। आ गई? हाँ डाली, मैं तैयार हूं। बोलो कहाँ ले जाओगे? एक बार फिर सोच लो, आखिरी बार। सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ भाग चलने का इरादा तुम्हारा पक्का है ना? कितनी बार मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, सब कुछ तुम ही हो। क्या सचमुच तुम हीरालाल से प्यार नहीं करती? ओ सुधीर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? एक अध पगले निटविट डल इंसान को कोई प्यार कर सकता है? चलो अब और देर मत करो। तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का मेरा कोई इरादा नहीं है मिस रूबी दत्त। सुधीर अब मजाक न करो, वो पगला हमें ढूंढता ढूंढता कहीं यहां ना आ जाए। ए, सुन, एक छोटा सा शुक्रिया अदा तो करता जा। नहीं दोस्त, इस सच्चे प्यार की सच्चाई दिखाने के बाद मैं शुक्रिया कहकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। अब समझ में आया इन सब बातों का मतलब? तुम मेरे साथ खेल रहे थे? तो आपने क्या समझ रखा था? किसी इंसान के दिल के साथ खेलने का हक सिर्फ आपका बनता है क्या? तुम शांति शांति शांति। अच्छा एक बात बताइए, अधीर राय नाम के किसी आदमी को जानती हैं? अधीर राय? हाँ, याद है आपको अधीर राय की? मैं उनका छोटा भाई हूं। जानना चाहती हैं कि अब वो कहां है? एक पागलखाने में। हाँ, पागलखाना। और जानना चाहती हैं कब से? उस दिन से जिस दिन से आपके बाप ने उन्हें चाबुक से मारा और उन पर कुत्ता छोड़ दिया था, उस दिन से वो पागलखाने में। और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं, जानती हूं मुझे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुधीर बदला, बदला लेना, उस अपमान का बदला जरूर लेना सुधीर। अच्छा तो तुमने मुझसे बदला लिया? हाँ बदला। Now will you please go away from here? Please. डॉक्टर दुबे, अमेरिका की डिग्री तो नहीं मेरे पास, पर इतना जरूर कह सकता हूं इस डिलीवरी में सिजेरियन ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस हॉस्पिटल में जितने भी सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं उनमें से 90% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। न जाने क्यों ये डॉक्टर चतुर्वेदी बिना वजह सिजेरियन करते हैं। बिना वजह नहीं, वजह है पैसा। भाई देखो, सिजेरियन ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेशन की फीस, नर्सिंग होम में रहने की फीस, यानी ज्यादा मुनाफा। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और अब हम ये सच इसलिए बोल सकते हैं कि हमने यहाँ की नौकरी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। क्या? हमने मेडिकल कॉलेज में हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, सेवा करने की कसम खाई थी, लेकिन हम यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, अपना जमीर बेच रहे हैं। जमीर? मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अखबारों में इश्तहार पढ़ती हूँ कि 80-90 रुपए में लीगली अबॉर्शंस होते हैं, फ्री नर्सिंग होम में हजार हजार रुपए अबॉर्शंस के क्यों लिए जाते हैं? ये रुपए ले जाते हैं मजबूरी के, कुंवारी लड़की या शादीशुदा बच्चलन औरतें अपने केस छुपाने के लिए ये रकमें दे देती। आप रजिस्टर खोल के देख लीजिए कितने नाम पते गलत लिखाए गए हैं। और गॉड सेक ये मत कहिए कि डॉक्टर चतुर्वेदी ये सब नहीं जानते। लक्ष्मी? हाँ जी, देखो तो कौन है। मेम साहब घर में है? है। उनसे कहो कि नंदिनी मल्होत्रा आई है। नंदिनी? अरे आओ आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो।
क्या बात है? कविता जी, जो बात कहना चाहती हूँ पहले इस चिट्ठी में लिख के बताने जा रही थी, फिर सोचा अगर आप मिल गए तो मैं खुद ही बता दूंगी। कहो ना। आपने तो देखा होगा इतने समय में नर्सिंग होम में कितनी तरक्की हो गई है, लेकिन कभी आपने सोचा इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे हो सकती है? इतना पैसा कहाँ से आया? चिट्ठी में भी मैंने यही लिखा है कि डॉक्टर चतुर्वेदी अपने पेशे और इंसानियत दोनों के रास्ते से भटक गए हैं। मेरे पति के नाम पे जो कलंक लगाने की कोशिश कर रही हो तुम, उसका कोई सबूत? सबसे बड़ा सबूत ये है कविता जी कि ये बात बताने के लिए मैं खुद मिलने आई हूँ आपसे। दो डॉक्टरों के नाम बता सकती हूँ जो इसी वजह से रिजाइन करके चले गए। कुछ लड़कियों के पते ठिकाने भी मालूम है, लेकिन आप ही सोचिए कि जो बात छिपाने के लिए वो न्यू नर्सिंग होम में आई, वो बात भला आपको क्यों बताएंगे वो? लेकिन ये बातें बताना मेरा फर्ज था, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? अपने हाथ से जो चिट्ठी लिखी है तुमने, मानहानि के केस में ये तुम्हारे खिलाफ पेश की जाएगी और तुम बदनामी के अंधेरे में गुम हो जाओगी। मैं तो खुद ही एक अंधेरा हूं कविता जी। बदनामी से मैं नहीं डरती, क्योंकि बदनामी का मजा मैं चख चुकी हूं। आपको शायद याद होगा, आप ही के कॉलेज की एक लड़की अचानक किसी लड़के के साथ भाग गई थी, बड़ा स्कैंडल हुआ था। वो लड़की मैं ही हूं, नंदिनी मल्होत्रा। जी हाँ, और वो लड़का था मशहूर प्लेबॉय विक्रम सरीन। मैं घर बसाना चाहती थी, पत्नी बनना चाहती थी, एक मां बनना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पत्नी बनाए बगैर ही मां बना दिया। मैं फिर भी उस बच्चे को अपनाना चाहती थी, लेकिन एक गरीब बेबस लड़की का चाहना क्या और ना चाहना क्या? काफी रुपए खर्च करके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया। मुझसे ये कहा गया कि डॉक्टर सिर्फ एग्जामिन करेगा। उसने मुझे बेहोश कर दिया, और जब होश आया तो पता चला कि मेरा बच्चा मार डाला गया है। बच्चे की जगह बदनामी मिली, इसीलिए अदालत वदालत से तो मैं डरती नहीं, लेकिन हाँ मुझे यकीन है कि आपके पति इतना बड़ा नर्सिंग होम चलाकर किसी स्कैंडल में फंसना पसंद नहीं करेंगे। ये लीजिए ये डायरी। इस नर्सिंग होम में बड़े अन्याय बड़े पाप हो रहे हैं, इसमें सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा, नाम पते के साथ कई केस हिस्ट्रीज भी हैं। कविता जी, जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है वो किसी और दुखी लड़की की जिंदगी में नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपने पति को संभालिए। आप सुंदर हैं, पवित्र हैं, आप उन्हें बचा सकती हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। Excuse me, sister. Yes. मेरा नाम विक्रम सरीन है और डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ आज मेरा अपॉइंटमेंट है। Kindly let him know कि मैं आ गया। आप एक मिनट ठहरिए, मैं भी पता लगाती हूँ। चलो। Good morning, sir. कोई विक्रम सरीन आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं अपॉइंटमेंट है। All right, sir. आइए। यहाँ से सीधे ऊपर चले जाइए। Thank you, sir. It's okay. May I come in, doctor? Who are you, Mr. Sareen? Thank you. Please be seated. Mr. Sareen, मैंने आपके मरीज की अच्छी तरह जांच की है। वो मां बनने वाली है। उन्हें 5 महीना चल रहा है, बहुत देर हो चुकी है।